तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं म्यांमार से बाई रोड थाईलैंड आया था। तो कल यहाँ पहुँचा था, आज मेरा पहला दिन है और बहुत ही बढ़िया जगह पे मुझे होटल मिला है। 1100 रुपये के आसपास रूम मिल गया है, खास और रोड पर booking.com से बहुत ही बढ़िया लोकेशन मिली है होटल की। और ये लोकेशन बिल्कुल मेरे पास है, मतलब मैं पूरी रात भी अगर यहाँ पे घूमता रहूँ तो आराम से 2 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस है। यहीं पे इसी रोड पर होटल है मेरा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये क्रोकोडाइल मैंने पहली बार ये देखा है कि मगरमच्छ का जो मीट है ऐसे पूरे का पूरा फुल रखा हुआ है और उसमें से काट काट कर प्लेट में दे रहे हैं जिसको खाना हो। लोग यहाँ पे फोटो भी खिंचवा रहे थे, पांच पांच बात देकर यहाँ पे लोग फोटो भी करवा रहे थे इस क्रोकोडाइल के साथ। तो काफ़ी ये मज़ेदार रोड है और मैं पहली बार आया हूँ थाईलैंड तो पता नहीं था कहाँ पे होटल लिया जाए और बहुत ही बढ़िया अच्छी लोकेशन पे होटल मिल गया है। मैं लोकल बस स्टैंड से यहाँ तक आया हूँ, खानसा रोड तक। तो सिर्फ 10 रुपये लगे मेरे बस स्टेशन बैंकॉक से जो खानसा रोड तक। और कहते हैं कि दो तीन ही अच्छी जगह है यहाँ पे होटल अगर मिल जाए तो, नाना प्लाजा हो गया और ये खानसा रोड हो गया। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये, काफ़ी अच्छी रौनक है रात में खास करके। दिन में तो कोई ज़्यादा नहीं था, खाली खाली था। दिन में मैं घूम के आया था, दिन की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि आज यहाँ की क्वीन का बर्थडे है थाईलैंड की। तो दिन में मैं यहीं खानसा रोड के पास ही आगे जाकर, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो पूरी थाईलैंड की या बैंकॉक की जो ऑडियंस है रिस्पेक्ट में वहाँ पहुँची हुई थी। बहुत ही मज़ेदार, वो भी बैंड बाजों के साथ वीडियो आया, शेयर करूँगा आपके साथ। आज ही सुबह हो रहा था वो, तो अभी पूरा दिन यहाँ रहने के बाद ये नाइट लाइफ आज की देख रहा हूँ खानसा रोड की। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। और जिसने नहीं देखा है मेरा जो टूर है म्यांमार से सिंगापुर का वाया थाईलैंड मलेशिया, तो वो सारी वीडियो चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं आप जाकर। सो गाइज, यहाँ फुल नाइट संगीत चलता रहता है, सब खाने पीने की शॉप रेस्टोरेंट भी खुले रहते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा सुबह के 5-6 कब बज गए। मैं पूरी रात यहाँ पे घूमता रहा, ऐसे लग रहा था अभी शायद 8-9 बजे हों, लेकिन जब टाइम देखा सुबह के 5 बज चुके थे। तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर सोया 10 बजे तक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बस स्टैंड से बस लेकर पटाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग एंजॉय करते हैं, बैचलर हो या फैमिली हो। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया से लोग थाईलैंड घूमने सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं। और कहीं पे भी आपने कोई पुलिस वाला नहीं देखा होगा, यहाँ पे सब एकदम शांति से अपना एंजॉय करते हैं अपना टूर। कोई किसी के साथ बहसबाजी नहीं है, सब अपना मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यही अगर हमारी, मुझे लग रहा है कंट्री में होता तो जितना यहाँ लड़के लड़के सब घूम रहे हैं और ड्रिंक करके ओवर ड्रिंक करके भी घूम रहे हैं, तो किसी ना किसी के शायद सर्वर फूट गया होता लड़ाई हो गए। लेकिन यहाँ कोई पुलिस वाला भी नहीं है, एकदम से खुद ही सबने मेंटेन करके रखा हुआ है शांति को। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार जगह है। तो ये अगर लेडीज़ के हाथ में देखें दोस्तों, तो ये काले बिच्छू हैं, ये फ्राई किए हुए काले बिच्छू हैं। लोग खाते भी हैं और इनके साथ लोगों फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो
तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।